हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि कल मैंने वीडियो डाला, इंस्टेंट पैन कार्ड जो है पेपरलेस वाला, बायोमेट्रिक ओटीपी वाला, उसके ऊपर करेक्शन पैन कार्ड अल्ट्रस ने चालू कर दिया है। तो वो सर्विस, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, अभी पूरी तरह से लाइव नहीं हुई थी। URL पे कुछ अपलोड करना होता है, सर्वर पे कुछ बहुत सी फाइल्स रहती है कोडिंग की, और बहुत सा काम रहता है, सिक्योरिटी चेक्स रहते हैं, साथ में उनको उनका URL चालू रख के इस पे काम करना है ताकि दूसरी प्रॉब्लम ना आए जो काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अभी अभी मेरी वहाँ पे ऊपर बात भी हुई है हायर अथॉरिटी में, और मैंने एक बार देख भी लिया हूँ, वो सर्विस प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है पूरी तरह से। जो लोग हमारे साथ में मिलके काम कर रहे हैं या कहीं और से अल्ट्रस से लेके काम कर रहे हो, ये सर्विस उनके लिए नहीं है। कैसा काम करना है, क्या करना है, तो इसके लिए मैंने आपको कल ही बताया था कि मैं इसका एक वीडियो डालूंगा अपडेटेड, कि इसमें वर्क कैसा करना है आपको, किस तरह से प्रोसेस होंगी और क्या। तो ये पूरा भी अपने पास में आ गया है, ये लाइव हो रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि उसकी प्रोसेस कैसी है, आपको क्या क्या डालना है, डिटेल्स कैसे डालना है और वो किस तरह से वर्क करेगा। जिसके लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन है या तो OTP से अप्लाई करना है, तो बायोमेट्रिक मशीन मेरे पास में ये मंत्रा की है, मंत्रा यूज़ करता हूँ, ये मुझे ईजी लगती है, बेस्ट मशीन है। तो वो मशीन अभी मैंने अपने लैपटॉप से अटैच कर लिया हूँ। तो आइए अब हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आगे की जो प्रोसेस है वो देखते हैं। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए अभी हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधा हमारे URL पे, अल्ट्रस का जो URL है। यहाँ पे मैंने पहले से पेज ओपन करके रखा हूँ, इसका लिंक कल के वीडियो में भी था, अभी के वीडियो में मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हम लोग अभी साइन इन करते हैं। ये जो इंटरफेस है ये कल आप लोगों ने देख लिया, इसके लिए इसमें मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। जो भाइयों ने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है पिछला, इसका इंट्रो का, या जिसको ID चाहिए, जो भी, या किसी के पास ID नहीं है, या काम नहीं कर पा रहे हो, या पासवर्ड भूल गए हैं, लॉगिन इशू आ रहा है, तो वो या तो डायरेक्ट अल्ट्रस से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आपने जहां से ID लिया आपके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा है, अल्ट्रस से तो 101% आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर से या कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने ID हमसे नहीं लिया तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे करके, आपको पूरा हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। और अगर किसी को इसकी ID चाहिए पेपरलेस में, अगर किसी को काम करना है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे। ये ID आपको फ्री ऑफ चार्ज हम लोग देंगे, और हमारा 24 घंटे तो नहीं बोलूंगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल पे कंटिन्यू हम लोगों का सपोर्ट है। तो चलते अभी हम लोग टाइम खराब नहीं करते, इसमें आपको ट्रायल के लिए मैं मेरा पैन कार्ड लास्ट प्रोसेस तक लेके जाऊंगा, वही दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते फिर। ये देखिए, कल का इंटरफेस आपको दिखा दिया था मैंने, आप लोगों को पता ही है, यहाँ से QR कोड स्कैन करके आप लोग फोन पे, गूगल पे से, कोई भी UPI से पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ आपका पेमेंट तुरंत 1 मिनट में आ जाता है, जो कि मेरे पिछले वीडियो में आप लोग इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें टाइम खराब ना करके हम लोग आगे चलते अभी। सॉरी, ये पेपरलेस पैन कार्ड करेक्शन जो इंडिविजुअल वाला है, ये तो सभी लोगों को मैक्सिमम पता है, इसका वीडियो मैं डालूंगा, लेकिन अभी रिसेंट में ये आया है और इसमें लोगों को कंफ्यूजन होगा, अपने भाइयों को जो लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए ये वीडियो डाल रहा हूं मैं। तो इस पर हम लोग क्लिक कर दिए, एज यूजुअल न्यू URL पे चले जाता है, जो सिक्योर URL रहता है उस पर। ये देखिए यहाँ पे आ गया पैन चेंज रिक्वेस्ट, कैटेगरी इंडिविजुअल, आधार नंबर, मैं मेरा आधार नंबर डाल दे रहा हूं, मेरा पैन नंबर डालना है, जिसका भी आपको करेक्शन करना है, ये आपको ट्रायल के लिए मैं मेरा दिखा रहा हूँ, श्री श्रीमती जो भी करना है, एज पर आधार जो डाटा है वही आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, एज पर आधार ही डालना है आपको। बहुत से लोगों के आधार कार्ड पे सिर्फ ईयर होता है, तो वहां पे वो कस्टमर को पूछ लेना है, या तो फिर आप उसका ई आधार डाउनलोड कीजिए। अगर उसको पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उसको या पूछे, तो आप एक एक डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में आप यही कीजिए कि कस्टमर को पूछिए उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उस यहाँ पे आपको आई यूज माय आधार डिटेल फॉर ई साइनिंग एक्सेप्ट कर लेना डिटेल्स। अभी मैं एक बार अपनी स्पेलिंग चेक कर लूँ, शायद गलत हो गए, अब सबमिट करिए, नेक्स्ट फेज पे हम लोग जाएंगे। आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है मेरा, ठीक है, ये आ गया डिटेल्स। यहाँ पे अपने कुछ भी नहीं करना है, मेरा फोटो मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच है, इसकी वजह इसमें क्या होगा कि सिग्नेचर तो अभी नया ई साइन होके आता है, पैन कार्ड आने के बाद में आपको सिग्नेचर करना है। फोटो अभी इसमें अपने को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, तो अपने को आधार कार्ड के ऊपर जो फोटो है वो अपलोड करना है, वो आ जाएगा इसमें। अभी इसमें हम लोग नेक्स्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे आपको ये डालना है, वेयर वेदर मदर इज सिंगल पेरेंट एंड विश यू अप्लाई फॉर द नेम ओनली मदर, तो यहाँ नो करना है, जैसे मदर नेम डालना है फादर नेम डालना है यहाँ पे। पूरा फादर नेम मेरे जैसा मुझे डालना है वैसा मैं डाल दे रहा हूँ।
यहाँ पे फिर से वही डालना है हमारे को। ये इसलिए कि क्रॉस वेरिफिकेशन आप लोगों ने कहीं टाइपिंग मिस्टेक वगैरह नहीं किया। यहाँ पे पेरेंट टू बी प्रिंटेड ऑन कार्ड, तो यहाँ पे फादर नेम ही ठीक है, सिंगल मदर है तो उसके लिए सिंगल मदर डालना है। नेक्स्ट किए वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर, अगर इसको नो करते तो आपका 72 रुपए 72 रुपीज कट होगा और सिर्फ ई पैन कॉपी आएंगे आपको मेल पे। अगर हम लोग यस करते तो 107 रुपए कट होगा आपका जो नॉर्म्स है, और आपको ओरिजिनल पैन कार्ड भी आपके घर पे 8 से 10 दिन में आ जाएगा। एरिया कोड है यहाँ पे, मोबाइल नंबर मैं अपना ऑफिस का डाल दे रहा हूँ अभी। ईमेल आईडी जो डालना है हमको वो मैं मेरी ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। मेरे ऑफिस की जो मेल आईडी है वही डाल दिया हूँ। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पे रेसिडेंट ही है, अदर एड्रेस हमारा कुछ डालना नहीं है हमको, अगर कहीं और मंगवाना है इसको तो। अगर कोई पैन कार्ड है हमारे पास में एक्स्ट्रा अलॉट हुए जो अपने को सरेंडर करना है कुछ, तो वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। प्लेस बुल्ढाना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ का आप कर रहे हो। डेट आज का आ गया। अब इसके बाद में ये सभी चीज हमने डालने के बाद यहाँ पे हमको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद में एक बार वेरीफाई आ जाएगा हमको, अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि फॉर्म में हमने कुछ गलत भरा है तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे फिर से आ जाता है अपने को। चेक कर लीजिए आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी नाम वगैरह डाले हो, फादर नेम वगैरह। इसके बाद में यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म होने के बाद में आपको कौन सी केवाईसी चाहिए, आपको बायोमेट्रिक चाहिए या सॉरी यहाँ पे ओटीपी बेस्ड चाहिए, या तो फिर आपको बायोमेट्रिक चाहिए। जो भी केवाईसी अपने को चाहिए वो अपने को सबमिट करना। तो अगर किसी का आधार नंबर अगर मोबाइल से लिंक है तो ओटीपी बेस आप कर सकते हो, अगर उसके बायोमेट्रिक नहीं आ रहे हो, बहुत से लोगों के फिंगर्स नहीं आते, तो अभी हम लोग बायोमेट्रिक बेस ई केवाईसी करते हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास में मशीन भी आपको मैं दिखा दिया, ओटीपी भले रजिस्टर है लेकिन मेरे को बायोमेट्रिक करवाना है। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट डिवाइस, मेरा कौन सा डिवाइस है। इसमें 4 डिवाइस अभी काम करते हैं, पहले मंत्रा मॉर्फो ही करते थे लेकिन अभी मॉर्फो करता है, मॉर्फो और प्रिसीजन का भी करता है, तो मंत्रा मैं सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके मंत्रा में लाइट जलेगा, वहां पे आपको बायोमेट्रिक लेना है आपका। आरडी सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुली, ओके किया, यहाँ पे आपका लाइट जल गया। ये मैंने अपना थंब रख दिया हूँ, कैप्चर सक्सेस आ गया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट होने के बाद में वो आपका बायोमेट्रिक आपका डाटा पूरा क्रॉस वेरीफाई यूआईडीआई के सर्वर से होगा। ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे ओके करना है इसको। ओके करने के बाद में बायोमेट्रिक बेस ई साइन करना है आपको या ओटीपी बेस करना है, आपको ओटीपी से करना है, बायोमेट्रिक से सेम है। तो यहाँ पे हम लोग बायोमेट्रिक से करते हैं। फिर से ये करने के बाद में 1-2 सेकंड का टाइम लेंगे और एक ई साइन का पेज एनएसडीएल का ओपन होगा जो कि और सिक्योर होता है। यहाँ पे आपको फिर से आपका आधार नंबर डालना है, इसको मंत्र अपना MFS 100 आई हियर बाय इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद में यहाँ पे रीस्कैन करना है आपको डिवाइस कौन सा है, यहाँ पे आ गया है खुद ही, अगर नहीं आता है तो कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद में मुझे अभी ये पैन कार्ड में कुछ करेक्शन नहीं करना है तो यहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे कैप्चर करने के बाद में डायरेक्ट आ जाएगा कि यूर ई साइन हैज बीन सक्सेसफुली, और रिडायरेक्ट होकर आपको आपके मोबाइल पे रजिस्टर मेल आईडी पे एक मोबाइल पे SMS आ जाएगा, रजिस्टर मेल आईडी पे आपको एक रिसीप्ट की कॉपी आ जाएगी PDF में, जो आपने फॉर्म भरे वो भी आपको PDF आ जाएगा। और करेक्शन पैन कार्ड है ये 2 दिन 4 दिन 8 दिन जो उनका टाइम होता है वेरिफिकेशन, जब तक कंप्लीट नहीं होगा वेरिफिकेशन के बाद में ये पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा, आपको ई पैन भी आ जाएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं है एज इट इज मंगवा रहे, जैसे कि फोटो चेंज या सिग्नेचर के लिए अपन सिर्फ मंगवा रहे हैं, अगर पैन कार्ड खराब हो गया नया मंगवाना है, ये पैन कार्ड 2 या 3 दिन में जनरेट हो जाता है। अगर कुछ करेक्शन है तो डाटा वेरीफाई होता है इनकम टैक्स की तरफ से, उसके बाद में ये होता है। अभी इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो होप कि आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होंगी मेरी, कैसी करना है क्या है अपने को। और इसके बाद में आप लोग ऐसा अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आ गया कैनरी प्रोसेस, काइंडली प्रोसेस बाय फाइलिंग न्यू फ्रेश पैन एप्लीकेशन। मैंने कैंसिल किया इसलिए, सबमिट करता था यहाँ पे आ जाता है लिख के योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एक नंबर आ जाती थी यहाँ पे डिटेल्स, और वो एक नंबर आपको नोट करके भी रखना है, प्लस मोबाइल पर SMS आना ही है, मेल आईडी अगर गलत होता है तो एक नंबर आपको फर्दर इंक्वायरी के लिए काम में आएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, आपको समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है या कुछ है तो वो हमको कॉल कर सकता है ऑफिस टाइमिंग में। किसी को अगर ये आईडी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग पैसा नहीं लेंगे आईडी में, हम लोग यही बोलते हैं कि आईडी में आप लोग कुछ बैलेंस लो, जब आप लोग आईडी एक्टिव कर रहे हो तो उसमें कुछ पैसा लो, ताकि आप लोग वो यूज करके देखो, आपको एक्सपीरियंस है कि आईडी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से वर्क होता है। पेपर वाला तो काम हम लोग कर रहे हैं और वो करते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेपरलेस में नहीं भी हो शायद, या कुछ लोगों का ऐसा होता है कि आधार का फोटो नहीं चाहिए, तो वो चीज में यहाँ से होंगी नहीं।
तो वो पेपर वाला काम चल देगा, लेकिन जिसको ई पेपरलेस वाला का काम चाहिए, इंस्टेंट पैन कार्ड के बहुत से कस्टमर आते हैं हमारे पास, तो आप लोग ये आईडी ले सकते हैं हमसे, अल्ट्रस से कांटेक्ट करके, और कोई भी जानकारी हो तो आप लोग हमें कॉल करते हैं, कर सकते हैं कभी भी, लेकिन कभी भी इन द सेंस ऑफिस टाइमिंग में, ठीक है। बाकी कुछ क्वेरी है तो आप लोग कॉल कीजिए, हम लोग वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है हमेशा। तो अभी हमने जैसा देखा पूरी प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाई, मेरे पैन नंबर आधार नंबर पे कैसा करना है, लास्ट प्रोसेस नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ करेक्शन इसमें करना नहीं था, इसके लिए मैंने लास्ट इसमें आगे प्रोसेस किया नहीं हूँ। तो आप लोग ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं, अगर इसमें किसी को दिक्कत आ रही है कुछ, तो वो लोग हमारे ऑफिस नंबर पे वसीम को या मुझे, हम लोग को डिस्क्रिप्शन में नंबर से उस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। और अगर आईडी भी चाहिए आप लोग तो हमको ऑफिस पे मुझे या वसीम को कॉल करके आप लोग आईडी ले सकते हो। और बाकी एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोगों को ये नहीं पता या जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए। और आगे और ऐसे ही वीडियो मैं रोज डालने वाला हूँ, कुछ ट्रैवलिंग के कुछ वर्किंग के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आएंगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको फिर सर्च करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन को ऑन कर देते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कौन सा नया वीडियो आया, क्या मैंने अपडेट डाला हूँ, और आपके पूरे काम में सीएससी का वर्क या दूसरे को जो भी काम के वीडियोस डालूंगा उसमें आप लोगों को सपोर्ट होगा कि नहीं ये काम कैसा करना है, क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थैंक्स एवरीवन वंस अगेन, और इसमें कोई दिक्कत आई तो आप लोग कॉल कर सकते हो। बाकी होप कि आप लोगों के सभी इसमें डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ओके देन, हैव अ नाइस डे।